जमीन की कोख में लाखों खजाने दफन होते हैं, मगर हर एक खजाने पर कोई एक सांप पहरेदार बनकर मुस्तैद बैठा ही रहता है, फटकने ही नहीं देता किसी को भी परी अपने। खजाने जो कि तू रखे हुए हैं कितनी सदियों से, ये बातें सुन के हम बच्चे बहुत ही खौफ खाते हैं। वो फनियर सांप सीमोजर के संदूकों पर कुंडली मार कर बैठे हुए हमको नजर आते थे ख्वाबों में। बड़ी तेजी से बदला है जमाना, वक्त के चक्कर में हमको एक नई दुनिया दिखाई है। कहाँ वो अपने बचपन की ख्याली दास्ताने, कहाँ ये साइंसी तहजीब जिसमें बैंक है, कर्जों पर मुबनी एक मईशत है। अजब सौदे हैं अरबों के जो कंप्यूटर पे होते हैं। यहाँ हर कोई उलझा हुआ है कागजी दौलत कमाने में, मगर जो बात बचपन में सुनी थी वो इस तहजीब में भी एक सदाकत है। यहाँ भी हर बड़ी सरमाएकारी के खजाने पर, यहाँ भी हर बड़ी इमलाक के दर पर कोई एक सांप अपना फन उठाए मुस्तैद पहरे पर बैठा है। उन्होंने गांव का तस्करा किया, लेकिन मैं खुद मस्त मुसाफिर रात नहीं लेता हूँ, मेरी सोच मुझको जिधर ले जाए। शायद ये भी सच है, लेकिन अक्लो अमल के सारे तरीके गुर सारे जिंदा रहने के ये जीवन ही सिखलाता है। मैं एक निरा गावरी बुद्ध हूँ, गांव की गलियों का एक बालक, एक कच्चे आंगन का पाला, खेतों खलिहानों में खेला, ओक से पानी पीने वाला, पगडंडी पर चलने वाला, सदियों पुरानी भोली भाली कदरों की एक वजनी गठरी अपनी पुष्प कब से लादे नए तमद्दुन की सड़कों पर दौड़ के चलने की कोशिश में, गिरता पड़ता मारा मारा चलते चलते थक साया। को साड़ी को शलवार को चिट्ठी लिख दूं, जींस को साड़ी को चिट्ठी लिख दूं, जींस को साड़ी को